शहर के हृदय स्थलीय झील परिसर में रविवार को भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के द्वारा प्रातः काल में झील परिसर में आने वाले सैलानियों, छात्र छात्राओं एवं आम जनता के बीच पौधा का वितरण किया गया, जिसमें आम, अमरूद, कटहल, जामुन जैसे अनेकों पौधे शामिल थे। करीब 1500 से भी अधिक पौधा का वितरण किया गया, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। पौधारोपण के दौरान शंख ध्वनि के बीच स्थानीय कलाकारों एवं आम जनता की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। इसके पश्चात पौधे की सुरक्षा हेतु गेवियन लगाया गया। स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नृत्य पेश किया गया, साथ ही नुक्कड़ के जरिए लोगों को पेड़ पौधों का महत्व बताया गया। आम जनता ने किया सराहना, कहा इससे बेहतर कार्य नहीं हो सकता। कोई हरियाली महोत्सव के मुहिम को छात्र छात्राओं एवं आम जनता ने सराहना करते हुए कहा कि इससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम की कार्यक्रम की प्रशंसा की, कहा कि ये मुहिम देश में एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगा। मौके पर प्रदीप प्रसाद ने कहा कि समृद्ध और सुंदर हजारीबाग हो अपना ये मेरा सपना है, जिसकी और हम सभी अग्रसित हो रहे हैं। 5 जून से प्रारंभ हरियाली महोत्सव में आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे लेकर लोगों में काफी उमंग नजर आ रहा है। लोग अब पेड़ पौधे लगाने की ओर काफी सजग हो गए हैं। वर्ष 2024 की गर्मी हम सबों को बताती है कि हमें पौधा अवश्य लगाना चाहिए। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेता भैया अभिमन्यु प्रसाद, विनोद झुनझुनवाला, अरुण कुमार, बॉबी कुशवाहा, अधिवक्ता प्रकाश झा, चंदन सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। जन्म तो आदरी भैया, इधर देखिएगा।